हेलो एवरीवन, हम सभी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि आंवला हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आइए बनाते हैं आंवला लौंजी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए आंवले को एक छन्नी में अरेंज कर लेंगे और एक कढ़ाई में पानी रखकर उसके ऊपर सेट करेंगे। इसे कवर करेंगे और इस तरह से हमें आंवले को स्टीम करना है। 15 से 20 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर स्टीम करेंगे। जब आंवले के ऊपर इस तरह से ब्रेक होने के निशान दिखें तो गैस का फ्लेम बंद कर दें। और ये देखिए, आंवला अच्छी तरह से स्टीम हो गया है और इसके बीच बीच में से फटने के निशान भी दिख रहे हैं। आंवले को अच्छी तरह से ठंडा कर लें और इसकी कलियों को अलग करके इसका बीज निकाल लें। इसी तरह से मैंने सारे आंवले की कलियों को अलग कर लिया है और इसका बीज निकाल दिया है। अब एक पैन या कढ़ाई गर्म करेंगे, इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच राई या सरसों, 1/4 चम्मच मेथी दाना, 1/4 चम्मच मंगरेल या कलौंजी, 1 चम्मच सौंफ, चुटकी भर हींग और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। सारे मसालों को अच्छी तरह से तेल में मिक्स कर लेंगे। तेल में मसालों को मिक्स करते समय गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा रखें, जिससे कि मसाले ना जलने पाएँ। अब स्टीम किए हुए आंवले को पैन में डालेंगे और इसमें मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आंवले को 2 मिनट तक भून लेंगे। इसे भूनने के बाद इसमें 1 कटोरी गुड़ डालेंगे। गुड़ डालने से पहले इसे चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, इससे यह आसानी से घुल जाएगा। गुड़ को आंवले में मिक्स करेंगे और इसे धीमी आँच पर पकने देंगे। ये देखिए, गुड़ अब पिघल कर चाशनी जैसा हो गया है। अभी इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतली है। हम इसे तब तक धीमी आंच पर पकाएंगे जब तक कि गुड़ गाढ़ा ना हो जाए। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे जिससे कि यह तली में ना चिपके। जब गुड़ की चाशनी थोड़ी गाढ़ी लगने लगे, तब इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक और थोड़ा सा सफ़ेद नमक डालेंगे। इसे भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। गुड़ की मिठास को बैलेंस करने के लिए इसमें नमक ज़रूर डालें। नमक डालने से आंवला लौंजी का फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। जब गुड़ की कंसिस्टेंसी इस तरह से हो जाए, तब गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, एकदम चटपटा और बहुत ही टेस्टी आंवला लौंजी बनकर तैयार है। आप इसे रोटी, पराठे या पूरी के साथ खा सकते हैं। यह बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, यह ख़राब नहीं होता है। स्टोर करने के लिए इसे बहुत अच्छी तरह से ठंडा करें और किसी एयर टाइट जार में डालकर इसे स्टोर करें। तो फ्रेंड्स, आप भी इस बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी आंवला लौंजी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।